साथी जय यीशु की, हम प्रभु के पुनरुत्थान का महोत्सव मना रहे हैं। इस एपिसोड में हम विशेष रूप से ये जानना चाहेंगे कि कैथलिक लोग प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का पर्व ईस्टर विजिल यानी रात्रि जागरण किस प्रकार मनाते हैं और इस समय क्या क्या घटनाएं होती हैं। इसको चार भागों में बांटा गया है साथियों। पहला है ज्योति का उत्सव, दूसरा है शब्द समारोह, तीसरा है बपतिस्मा जल की आशीष और बपतिस्मा प्रतिज्ञाओं को दोहराना, और चौथा है पवित्र यूकरिस्त। आइए हम सब मिलकर के क्रमबद्ध रूप से इनको जानने का प्रयास करें। साथियों, इससे पूर्व कि हम इनको क्रमबद्ध रूप से जानकारी प्राप्त करें, मैं इसकी भूमिका बताना चाहूँगा कि पास्का समारोह क्या है। पास्कल मिस्ट्री, पास्का, पास ओवर, हम अनेक नामों से इस त्यौहार को जानते हैं, लेकिन सबका मकसद मतलब एक ही है, पुरानी दास्ता से नए जीवन में प्रवेश करना, पास ओवर करना, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना, यानी कि शैतानमय जीवन से त्याग कर हम प्रभुमय जीवन को अपनाएं, दुख को जीवन को समाप्त कर महिमा के जीवन को अपनाएं। और यही जो हमने 40 दिन उपवास और परहेज रखा, और विशेष रूप से ये पुण्य सप्ताह में हमने प्रभु यीशु के दुख भोग मरण को याद किया, आज हम जानते हैं कि प्रभु जी उठे हैं और उसी की यादगार हम मनाते हैं। और हमारा विश्वास है कि जिस प्रकार प्रभु यीशु दुख झेलकर मृत हुए और तीसरे दिन जी उठे, हम कैथलिक लोगों के लिए यही विश्वास है कि क्यों ना हम दुख भोगें, लेकिन हम अपने प्रभु के समान जी उठेंगे। और यही एक प्रथम सिंबल है जो हम पास्का समारोह में मनाते हैं, वो है ईस्टर कैंडल। इसके पूर्व साथियों, पास्का जागरण के समय आग जलाई जाती है। वो आग किस प्रकार जलाई जाती है? प्राचीन काल में दो पत्थरों की चिंगारी से उसकी आग बनाई जाती थी। आज भी कई जगहों पर इस प्रकार आग बनाई जाती है, वो कोयले की आग। ये प्रतीक है कि हमारा प्रभु आग का प्रतीक है, यानी जलता हुआ, सबको प्रकाश देता हुआ, और उसी से हम इस मोमबत्ती को जलाते हैं। इस मोमबत्ती की विशेषता यह है कि हमारा प्रभु जो मृतकों में लेटा हुआ था कब्र में, वह खड़ा हो गया है, जीवित हो गया है। और इसी मोमबत्ती से कलिसिया के लोग अपनी छोटी छोटी मोमबत्तियां जलाकर उसका हाथ में रख करके अपने व्रत को दोहराते हैं, अपनी बपतिस्मा की प्रतिज्ञाओं को दोहराते हैं। साथियों, आइए हम समझने का प्रयत्न करते हैं कि ये बड़ी कैंडल आज हमारे बीच में क्यों है। ये प्रतीक है प्रभु यीशु के जीवित होने का, जीवित न केवल मनुष्य के रूप में बल्कि ईश्वर के रूप में। जब तक वे दुख भोग कर मृत्यु को प्राप्त हुए, वे साधारण मनुष्य के रूप में उन्होंने मृत्यु प्राप्त की, लेकिन जब वे पुनर्जीवित हुए तो वे महिमान्वित होकर जीवित हुए। और इसीलिए ये प्रतीक है कि ये ईश्वर और मनुष्य के बीच का जो मेल है, जो प्रभु यीशु है, वह न केवल मनुष्य बल्कि ईश्वरीय भी हैं। और इसीलिए इस पे आप देखेंगे कुछ शब्द लिखे हुए, ये ग्रीक शब्द है अल्फा ओमेगा, जो ग्रीक के प्रथम और अंतिम जो शब्द हैं या वर्ण है वो है। इसी बीच में आप देखते हैं कि ये क्रॉस बना हुआ है, और साथ ही इसमें वर्ष लिखा हुआ है 2019। जब पुरोहित इसे जलाता है, उसके पहले जो प्रार्थना पढ़ता है, वो मैं प्रार्थना पढ़ के बताना चाहूंगा। ख्रिस्त जैसे कल थे, वे आज हैं, आदि और अंत तक, अल्फा और ओमेगा। उनके अधिकार में है कालचक्र, उन्हीं की महिमा और सत्ता युगानुयुग बनी रहे। साथियों, मैंने क्या किया,
हमने क्रूस का चिन्ह बनाते हुए कहा कि प्रभु यीशु जो पहले थे आज भी विद्यमान है, वो अल्फा है यानी आदि और अंत, उनका अधिकार है, आज तक भी उनका अधिकार हमारे बीच में है और इसी को हम याद कर रहे हैं। साथियों, इसी के साथ में हमारे साथ में जो है ये है 5 इंसेंस यानी अगरबत्ती से बनी हुई एक 5 प्रकार की गांठें टाइप, जो कि इस 5 घावों को याद करते लगाया जाता है और कहा जाता है प्रभु यीशु क्रिस्त अपने पावन और प्रतापी घावों द्वारा हमें सुरक्षित रखे और संभाले। साथियों, ये है प्रभु यीशु क्रिस्त का प्रतीक और जो आग हमने बनाई थी, जो पत्थरों को जला, पत्थरों से जो चिंगारी निकाली थी और बनाया था, उस आग से हमने इस मोमबत्ती को जलाना है। क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, यही ज्योति अंधकार से हमें प्रकाश की ओर ले आई है, मृत्यु की दासता से हमें पुनरुत्थान की ओर ले आई है, हमारे पुराने जीवन से नए जीवन में ले आई है, और वो है प्रभु यीशु क्रिस्त। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, ये ज्योति हमारे प्रभु यीशु के जीवित होने का प्रतीक है, अंधकार से प्रकाश में लाने का प्रतीक है, और इसी का गुणगान करते हुए, प्रभु के गुणगान में शामिल होते हुए प्रभु के लिए गाते हैं, दिव्य ज्योति से दूर हुआ है पापों का अंधकार, आनंद मनाओ मंगल गाओ बोलो प्रभु की जय जयकार। साथियों, इस गीत के साथ में प्रभु यीशु के दुख भोग मरण और पुनरुत्थान की जीवनी को गाया जाता है, साथ ही हम पुनरानी व्यवस्था में किस प्रकार मिस्र देश में जो पीड़ा सह रहे थे लोग, उनको इजरायली जनता को ईश्वर अपने लोगों की चुनी हुई प्रजा को किस प्रकार लाल सागर पार कराता है, यानी पार होना, पुराने जीवन से नए जीवन में प्रवेश करना। और आज जब हम प्रभु यीशु के पुनरुत्थान का पर्व मनाते हैं तो हम भी ये विश्वास करते हैं कि हम पुराने जीवन से नए जीवन में प्रवेश करेंगे। साथियों, ये है पहला भाग। साथियों, हम आगे चलते हैं इस समारोह में। दूसरा जो भाग है वो है शब्द समारोह। शब्द समारोह भी बहुत लंबा होता है, इसमें मुख्य रूप से 7 पाठ पढ़े जाते हैं, बाइबल से अलग अलग पुस्तक से ये पाठ पढ़े जाते हैं। पहला पाठ है उत्पत्ति ग्रंथ से, जिसमें हमें याद दिलाया जाता है कि किस प्रकार ईश्वर ने अपनी योजनाबद्ध तरीके से हम लोगों की सृष्टि की है। प्रारंभ में उन्होंने किस प्रकार जीव जंतु, पेड़ पौधे, आकाश के पक्षी और समुद्र, तारे, चांद और अंत में मानव को बनाया, यानी हमारे पूर्वज आदम हेवा को बनाया। साथियों, हम दूसरे पाठ में सुनते हैं इब्राहिम का बलिदान, अपने एकलौते पुत्र इसहाक का बलिदान। वह हमें याद दिलाता है कि किस प्रकार इब्राहिम ने अपने एकलौती संतान को बलिदान चढ़ाया। उसे विश्वास था कि जिसे प्रभु ने दिया है या जिसे ईश्वर ने दिया है, वह ईश्वर उसे लेता है, तो सर्वस्व उसने अपना सब समर्पित उस ईश्वर को कर दिया। तात्पर्य यह है कि किस प्रकार ईश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा, जिन्होंने हमारे लिए अपने एकलौते पुत्र को बलिदान चढ़ा दिया। साथ ही तीसरा पाठ जो निर्गमन ग्रंथ बाइबल में जो है, निर्गमन ग्रंथ से लिया गया है, इसमें वो बातें लिखी है कि किस प्रकार मिस्र के लोग फिरौन राजा के जुगल से यहोवा यानी ईश्वर द्वारा निकाले जाते हैं, यानी लाल सागर पार करते हैं, यानी ईश्वर उनका ढाल बन करके उनके आगे आगे चलता है और पीछे वो समुद्र जो है सूखा रह जाता है, और उसके ऊपर लोग जो ईश्वर की चुनी हुई प्रजा है
वो पार कर जाते हैं और उसके बाद में फिर समुद्र जुड़ जाता है और जो अत्याचारी फिरौन के अत्याचारी हैं वो लाल सागर में डूब जाते हैं। तात्पर्य यह है साथियों कि ईश्वर की चुनी हुई प्रजा को ईश्वर अवश्य संभालेगा और यही हमें इस पाठ में याद दिलाया जाता है। साथियों चौथा पाठ जो है वो नबी ईसाया के ग्रंथ से लिया गया है जिसमें बताया जाता है कि हमारे धर्म पूर्वजों ने ईश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह नहीं किया बल्कि उसके विश्वास में वे जी गए। इसी प्रकार हम प्रभु के दुख भोग पर संदेह न करते हुए उसके महिमा के हम सहभागी बन जाएंगे, इस विश्वास को जगाने के लिए ये पाठ पढ़ा जाता है। साथियों जो पांचवा पाठ है वो भी नबी ईसाया के ग्रंथ से ही लिया है जिसमें ये बताया गया है कि ईश्वर ही एकमात्र हमारी आशा है, जो उस पर आशा रख करके जीवन बिताते हैं वह उसे कभी निराश नहीं करेगा और यही आश्वासन वह हमें भी आज देता है। यदि हम कितने ही दुख क्यों न भोगते हों, यदि हम प्रभु के साथ दुख भोग रहे हैं तो जिस प्रकार प्रभु महिमान्वित हुए, प्रभु जीवित उठे, उसी प्रकार हम भी जी उठेंगे। साथियों जो छठा पाठ है वो नबी बारूक से लिया गया है, इसमें भी यही बताया गया है कि प्रभु अपनी चुनी हुई प्रजा को कभी त्यागेगा नहीं और विश्वास दिलाता है और कलीसिया इन पाठों के द्वारा हमें भी विश्वास दिलाती है कि ईश्वर हमारा जो है हमें अपने से अलग नहीं करेगा, वह सदा हमसे संयुक्त रहता है, हम उससे अलग हो जाएं लेकिन वह हमसे अलग नहीं होगा। साथियों जो सातवां पाठ है वो भी पुराने व्यवस्थान के नबी एजेकियल से लिया गया है जिसमें ईश्वर हमें आश्वासन देता है कि मैं एक नया हृदय और एक नई आत्मा प्रदान करूँगा और सभी को परिवर्तित कर दूँगा, यानी पुराने जीवन की दासता से मुक्त कर नए जीवन में प्रवेश करने के लिए ईश्वर हमें बुलाता है। साथियों इन सात पाठों के बाद में समय आता है जब हम ईश्वर की महिमा करते हैं स्वर्गदूतों और संतों के साथ में और यही समय है जबकि वेदी पर सभी जो दिए हैं लाइट हैं जलाई जाती है। अब तक वेदी खाली रहती है और उस पर कुछ दिया या अगरबत्ती वगैरह नहीं जलाई जाती है। इन सात पाठों के बाद में जब ईश्वर की महिमा का गीत गाया जाता है और चर्च के बेल बजते हैं, ये लगभग मध्यरात्रि का समय होता है और ये हमारे लिए एक चिन्ह होता है कि प्रभु यीशु मृतकों में से जी उठे हैं। आप सबको पास का मुबारक। आइए हम चलते हैं नए व्यवस्थान की ओर। इस महिमा गीत के बाद में एक पाठ पढ़ा जाता है जो रोम के क्रिश्चियंस को संत पौलुस पत्र लिखते हुए कहते हैं कि हम पुरानी दासता से निकलकर नए जीवन में प्रवेश कर गए हैं, हम मृत्यु से अंधकार से प्रकाश में और जीवन में प्रवेश कर गए हैं। इन पाठों के बाद में हम एक विशेष आलेलुया, आलेलुया का अर्थ होता है ईश्वर की महिमा, वो सॉलम यानी महान आलेलुया होता है जिसे मैं गाकर बताता हूं। आलेलुया, इसे तीन बार तीन अलग नोट पर गाया जाता है और ये महान आलेलुया के रूप में होता है और सब मिलकर के ईश्वरी जनता इस आलेलुया में भाग लेती है। इसके बाद प्रभु यीशु के पुनर्जीवित होने का पाठ सुसमाचार से पढ़ा जाता है और उसको लोगों को समझाया जाता है। इस प्रकार ईस्टर के दिन यानी पास्का समारोह का ये दूसरा भाग खत्म होता है। साथियों तीसरा भाग है पवित्र जल की आशीष, बपतिस्मा की प्रतिज्ञाओं को दोहराना। साथियों इस दिन विशेष रूप से पवित्र जल को भरकर बाल्टियों में या पात्र में रखा जाता है और उसे विशेष रूप से पवित्र किया जाता है। इससे पूर्व नमक जो उसमें मिलाया जाता है उस पर आशीष की प्रार्थना पढ़ी जाती है। नमक और पानी के मिश्रण के बाद में उसी के अंदर वो जो ईस्टर की जो कैंडल है, पास्का जो मोमबत्ती है, प्रभु यीशु के जीवन का प्रतीक है, उसे भी उसमें डुबो करके तीन बार प्रार्थना की जाती है और पवित्र आत्मा की कृपा उस जल पर की जाती है और इस प्रकार ये पवित्र जल हम सभी पर छिड़का जाता है, यह कहते हुए कि आइए हम सभी पवित्र हो जाएं और ईश्वरीय जीवन को अपनाएं। इसके बाद सभी जो वहाँ पर उपस्थित होते हैं अपनी अपनी मोमबत्तियाँ जला करके उस ईस्टर की मोमबत्ती से मोमबत्तियाँ जलाकर अपने व्रत को दोहराते हैं
बपतिस्मा की प्रतिज्ञाओं को दोहराते हैं, यह कहते हुए कि हम शैतान का परित्याग करेंगे, उसके सभी प्रपंचों और धूमधामों का त्याग करेंगे। और हम विश्वास करते हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे साथ में है। वह मृतकों में से जी उठा है, वह अनंत जीवन प्राप्त कर चुका है और हमारे लिए अनंत जीवन देने के लिए आने वाला है। उस महिमामय ईश्वर को हम फिर से निमंत्रण करने के लिए इंतजार की घड़ियों में जीवन बिता रहे हैं। इस प्रकार हमारे विश्वास के रहस्य को हम सभी क्रिश्चियन भाई बहन मोमबत्ती जला करके दोहराते हैं। साथियों, इस दिन जब हम बपतिस्मा की प्रतिज्ञाएं दोहराते हैं तो वे सभी लोग जो बपतिस्मा ग्रहण करने के लिए तैयारी कर रहे थे या तैयारी करते आ रहे हैं, चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों, इन सभी को आज के दिन बपतिस्मा दिया जाता है, यानी प्रभु येसु के पुत्र पुत्रियां बनाया जाता है। और विशेष रूप से जैसा कि मैंने आपको बताया था, पवित्र तेल के अंदर जो तीन तेल अभिषिक्त तेल हैं उनमें से एक तेल ऑयल ऑफ कैटेक्यूमन, उसका उपयोग करते हुए पुरोहित प्रार्थना करता है और इस प्रकार वे भी कलीसिया के सदस्य बन जाते हैं। साथियों, अभी तक हम मनन चिंतन कर रहे थे तीन बिंदुओं पर, यानी कि ज्योति उत्सव, शब्द समारोह, बपतिस्मा समारोह, यानी हमारे पुराने जीवन से नए जीवन में प्रवेश करना। अब घड़ी आती है प्रभु येसु के साथ यूक्रिस्त समारोह, यानी यूक्रिस्त जो प्रभु येसु ने अपना शरीर और रक्त रोटी और दाखरस के रूप में अपने शिष्यों को देते हुए कहा, वही प्रभु आज हमें फिर मुक्ति दिलाने के लिए आया है। साथियों, यही हमारा लक्ष्य है कि हम सभी मुक्ति प्राप्त करें। शांति का राजा चैनल यही कोशिश कर रहा है कि हम सभी की मुक्ति हो, हम अपने पापमय जीवन को त्याग करके ईश्वरीय जीवन को अपनाएं। हम चाहे किसी भी धर्म के क्यों ना हो, हमारा एक ही लक्ष्य है कि हम परहित सेवा के लिए कार्य करें, ईश्वरीय जीवन को अपनाते हुए हर एक को आकर्षित करें अपने जीवन, अपने वचन, अपने कर्म के द्वारा। वही प्रभु येसु ने भी किया, इसके लिए उन्हें अपनी जान देनी पड़ी, लेकिन हमारा विश्वास था और विश्वास है कि जिस प्रकार उन्होंने क्रूस पर मर करके पुनरुत्थान और महिमा प्राप्त की, हम भी एक दिन जो दुख और तकलीफ में जी रहे हैं अवश्य महिमान्वित होंगे। आइए उन सभी के लिए प्रार्थना करें जो दुख तकलीफ में है, पारिवारिक कलह और संकट में है। ईश्वर आप सभी को आशीर्वाद प्रदान करें, आप में भी वह हिम्मत और साहस हो कि प्रभु की योजना के अनुसार अपना जीवन बिता सकें। एक बार फिर शांति के राजा चैनल टीम की ओर से आप सभी को पुनर्जीवित प्रभु की ये महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय सूर्य।